गुड मॉर्निंग टू ऑल. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर 1 द ग्लोब. ग्लोब ग्लोब क्या है बेटा? सबसे पहले ये जानना है, ग्लोब एक मॉडल है अर्थ का, यानी जैसी हमारी अर्थ है बिल्कुल सेम एक्यूरेट शेप और उसकी लोकेशन सब कुछ ऐसे बनाई गई है. और वो हमें किस लिए बनाया गया, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है? ताकि हम कॉन्टिनेंट्स को जान लें, ओशियंस जान लें, सी जान लें कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कितने एरिया में है, क्या है. इज दैट क्लियर? तो इसलिए हमने ग्लोब बनाया है. ग्लोब क्या है? अर्थ का मॉडल है. ये देखिए, अ ग्लोब इज़ अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ. इट शोज़ द एक्यूरेट शेप एंड लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस एंड सीज ऑन अ स्मॉलर स्केल. यानी करें स्मॉल मॉडल है अर्थ का, ये शो करता है एक्यूरेट शेप और लोकेशन किसकी, कॉन्टिनेंट की, ओशियंस की, सी की, ताकि हम उसको देख सकें. इट ऑल्सो शोज़ द शेप एंड लोकेशन ऑफ कंट्रीज़ एंड इम्पोर्टेंट सिटीज़. ये किसकी लोकेशन शो करता है? कंट्रीज़ की और इम्पोर्टेंट सिटीज़ की. देर आर सम लिमिटेशन इन यूजिंग अ ग्लोब. इसमें कुछ लिमिटेशन होती हैं ग्लोब को यूज़ करने की, ठीक है. अ ग्लोब इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी अराउंड. यानी ग्लोब की कुछ हमें लिमिटेशन होती है कि हम इसको उठा नहीं सकते, क्योंकि ये गोल होता है, बड़ा होता है, लाइक अ बॉल. इसको उठा के आप कहीं ले जा नहीं सकते क्योंकि इसके शेप की वजह से, ठीक है. और डिटेल्स ऑफ द प्लेसेस कैन नॉट बी शोन. इसके अंदर जो बहुत सारी डिटेल्स हैं वो प्लेसेस वाली वो शो नहीं हो पाती. और हम इससे ग्लोब से केवल एक टाइम में एक ही साइड देख सकते हैं, है ना. और मैप से हम पूरा जान लेते हैं. अब आपको ना मैं ग्लोब बताऊंगी. ये देखिए, लाइक अ दिस क्या होता है, कैसे होता है. उससे पहले आपको, सबसे पहले आपको, जैसे कि फोर्थ क्लास में मैंने आपको बताया था डायरेक्शंस. ये देखिए, आपका राइट हैंड हमेशा क्या शो करता है? ईस्ट. लेफ्ट वेस्ट. एंड योर टॉप इज़ नॉर्थ एंड योर बॉटम इज़ साउथ. इज दैट क्लियर? पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए. अब आप इसके राउंड लगा दीजिए ऐसे, ये थोड़ा, कोई बात नहीं, सर क्लियर, ठीक है. अब बेटा इसके बीच में एक लाइन होती है, ये ग्लोब के बीच में, ये जितनी भी ग्लोब पे मैं आपको लाइनें बताऊंगी ये सब इमेजिनरी लाइंस हैं. एक्चुअल में ये लाइन ग्लोब पर है नहीं, यानी हमारी अर्थ पर ये लाइन नहीं है. ये साइंटिस्ट ने जो भी है इसको समझने के लिए ये लाइन ग्लोब पर डाली है ताकि हम लोग समझ सकें. इज दैट क्लियर? ये जो लाइन आई है ये हुआ है इक्वेटर. इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर. EQUATER. इक्वेटर. इसको इक्वेटर क्यों बोला जाता है? OR. क्योंकि इसका इक्वेटर यानी इक्वल, जो हमारी पृथ्वी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है उसको बोलते हैं इक्वेटर. क्या बोलते हैं इस लाइन को? इक्वेटर. देखिए, नॉर्थ और साउथ को डिवाइड किया इसने इक्वल पार्ट में, इसको बोलते हैं इक्वेटर. ठीक बेटा, इक्वेटर के ऊपर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. क्या बोलते हैं इस लाइन को? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डाली गई है ये इमेजिनरी, ये भी इमेजिनरी लाइन से, ये कहाँ से पास आउट होती है? हमारे इंडिया से, हमारे इंडिया के यहाँ से निकल के जाती है. इज इट क्लियर? और इक्वेटर के ठीक नीचे कौन सी लाइन होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर के नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. अब जो होता है, ठीक है, इनके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं एंटार्कटिक सर्कल. ध्यान से सुनना, एंटार्कटिक सर्कल. और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है उसके ऊपर वाला जो सर्कल होता है उसको बोलते हैं आर्कटिक. ARCTIC. आर्कटिक सर्कल. आया है आपको समझ में? यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे वाला एंटार्कटिक सर्कल होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले के ऊपर आर्कटिक सर्कल होता है. और जो ये मैंने आपको पॉइंट्स बताए नॉर्थ और साउथ, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल और इसको बोलते हैं साउथ पोल. इज दैट क्लियर? अब आपका आता है इसमें लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड. लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड. इज इट क्लियर? बेटा जैसे कि नाम से ही पता चलता है, लॉन्गिट्यूड यानी लंबी, ठीक है, लैटिट्यूड यानी लेटी हुई. अब ये आपको मैंने ग्लोब ऊपर बता ही दिया. अब ये देखिए, ये आपका ग्लोब है, ये इसमें जो ऐसे लाइनें हैं ये नीचे से ऊपर जाती हैं ऐसे करके, ऐसे करके, जी
या आप ये मत समझना यहाँ पे पॉइंट पे ख़त्म होती है। कभी आपने ऊन का गोला देखा है अपनी मदर को या किसी को घर में बनाते हुए ऊन का गोला बनाते तो ऐसे लपेटते जाते हैं ना, तो ये भी ऐसे ही है हमारी गोल पे। जैसे बोल पे आप एक धागा लपेट दो ऊपर से ऐसे ऐसे लपेटते जाओ, तो ये ऐसे हैं, ठीक है, इक्वल है। ये कौन सी हैं जो ये ऐसे लाइन है, ये है लॉन्गिट्यूड आपकी। कौन सी लाइन है ये? लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। और जो ये ऐसे लाइनें गई हुई हैं, दीज आर कॉल्ड लैटीट्यूड, दीज आर कॉल्ड लैटीट्यूड। अब बेटा ये लाइनें ऐसे, मतलब ऐसे 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 करके और ये ऐसे जाके, आपने देखा ये क्रॉस बनाया बीच में, बनाया ना, एक बॉक्स बन गया। इस बॉक्स को बोलते हैं हम लोग ग्रीड। क्या बोलते हैं इस बॉक्स को? ग्रीड। इज इट क्लियर? इसको बोलते हैं हम लोग ग्रीड। ये ग्रीड जो होता है ये किस चीज़ में हेल्प करता है? ये किसी प्लेस को, किसी कंट्री को ग्लोब पर देखने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कि आप मान लो इधर ये आपकी है लॉन्गिट्यूड, ऐसे जा रही है, ये लैटीट्यूड है, लेटी हुई लाइन है। अगर हमें इधर आपको जयपुर पता करना है कि जयपुर कहाँ पर है, तो यहाँ इधर आपका जयपुर जहाँ पर आपकी लॉन्गिट्यूड और लैंगिट्यूड जिस डायरेक्शन में जहाँ पर काटेंगी एक दूसरे को, जो बॉक्स बनेगा वो प्लेस कौन सा होगा? जयपुर होगा। इज इट क्लियर? आप उसमें आपको ये मैप की भी हेल्प लेनी पड़ेगी इसमें। इज इट क्लियर? आपको मैप भी आना चाहिए पहले। अब आपका ये ग्रीड हो गया। अब इसमें आपको मैंने एक चीज़ और नहीं बताई। ये जो इक्वेटर मैंने आपको बताया था इक्वल पार्ट में डिवाइड किया ग्लोब को, ये हमेशा 0 डिग्री को शो करता है। किसको शो करता है? 0 डिग्री को शो करता है। और ये आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है ये आपका 23/1/2 डिग्री साउथ, क्योंकि ये साउथ में हो गया तो ये साउथ को शो करेगा। ऐसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23/1/2 डिग्री ये आपका नॉर्थ को शो करेगा। ऐसे ही उसके नीचे वाले आर्कटिक सर्कल है वो किसने को शो करता है? 66/2 डिग्री साउथ। और ये ऊपर आर्कटिक सर्कल 63/2 नॉर्थ। और ये जो पोल हैं आपके ये हमेशा 90 डिग्री को शो करते हैं, साउथ में भी और नॉर्थ में भी। इज दैट क्लियर? आपको ग्रीड भी बता दिया मैंने, लॉन्गिट्यूड लैटीट्यूड भी बताया है, ठीक है। अब आपको क्या अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये ग्लोब है, इक्वेटर है, इसके अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, लॉन्गिट्यूड है, लंबी, नाम से ही पता चलता है लॉन्गिट्यूड यानी लंबी, लैटीट्यूड यानी लेटी हुई, क्लियर। और उसके अंदर ग्रीड है। आगे आपको समझ में, ग्रीड जो है हमारी हेल्प करता है कंट्रीज़ को जानने में, कौन सी कंट्री कहाँ है, इससे हेल्प मिलती है हम लोगों को। इज दैट क्लियर? ओके बाय।